हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ मटर मशरूम की इंस्टेंट बनने वाली सब्जी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी कोई मेहमान आ जाए या कभी कुछ हल्का फुल्का बनाने का मन करे तो आप ये सब्जी बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट मटर मशरूम की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मशरूम ले लिया है। इसको काट लिया है अच्छे से धो के पोंछ के, आधा किलो मटर को छील लिया था, तो ये करीब 250 ग्राम के करीब ये भी है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसको छील के काट लिया। इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। 2 मीडियम साइज के टमाटर है, इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और टमाटर में ही हमें 8 से 10 काजू को डाल के और पीस लेना है। तो काजू और टमाटर को एक साथ पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। खड़े मसाले में हमें ले लेना है आधा छोटा चम्मच जीरा, एक काली वाली जो इलायची होती है उसको तोड़ के खोल दिया है मैंने, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, एक सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, एक हरी वाली इलायची और 3 से 4 लौंग। एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम डाल देंगे तेल, तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो जो सारे मसाले हमने खड़े वाले ले रखे हैं वो डाल देंगे। मसालों को हल्का सा चटकने देंगे। मसाले जब चटक जाए तब जो हमने प्याज को पीस के रखा था वो डाल देंगे। और इसे भून लेंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। तो हमें कंटिन्यू चलाते इसे भून लेना है। अब हम मसाले देख लेते हैं। मसाले में एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। प्याज जो है वो भून गया है तो इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। इसे हम बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट हो गया मसालों को भूनते हुए। अब इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, या प्याज के साथ भी डाल के भून सकते हैं, और काजू और टमाटर का पेस्ट। इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं, पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें सारे मसालों को खूब अच्छे से भून लेना है और आप इसे चलाते हुए भूनें, क्योंकि हमने काजू का पेस्ट डाला है इसमें तो फिर वो कढ़ाई में चिपकने लगेगा। मसाले में से तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं मटर, 1 से 2 मिनट से भून लें। ये सब्जी जो है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। जब भी कोई गेस्ट आए या कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करने का मन होता है तो आप ये सब्जी बना के खा सकते हैं और टेस्टी भी लगेगी। यहाँ पे मैंने ताजे फ्रेश मटर का यूज किया है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। मटर को 2 से 3 मिनट तक हमने भून लिया। अब जो हमने मशरूम ले रखा है वो डाल देंगे और इसे भी अब हम मसालों के साथ भून लेंगे। यहीं पे हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, इसे क्या होगा कि मशरूम जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और मसाले में फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
इसे कंटिन्यू चलाते हुए भुने। मटर और मशरूम को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मशरूम जो है वो अच्छे से भुन गया है, ये देखिए तेल भी छोड़ने लगा। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गाढ़ी ग्रेवी खाना चाहते हैं तो कम पानी डालें, और अगर गाढ़ी नहीं खाना चाहते पतली ग्रेवी खाते हैं तो फिर ज़्यादा पानी डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे ढक के अच्छे से मिक्स कर देते हैं पहले, और इसे ढक के अब हम पकाते हैं, क्योंकि मटर जो है हमने ताजे मटर ले रखे हैं तो मटर को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो अब हमें इसे खौला लेना है अच्छे से, तो इसे ढक देते हैं। सब्जी खौल गई है अच्छे से और मटर भी जो है वो पक गया होगा। देखिए मटर पक गया है। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनके तैयार हो गई। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।